आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे क्या आप अपने मोबाइल फोन में गूगल पे का इस्तेमाल करना चाहते हैं, गूगल पे को आप चालू करना चाहते हैं और अभी तक आपको नहीं पता है कि गूगल पे को चालू कैसे किया जाता है, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखना। इस वीडियो के अंदर हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि गूगल पे को कैसे चालू करेंगे, गूगल पे के अंदर अपना बैलेंस कैसे चेक करेंगे, यानी कि आपको अपना बैंक कैसे ऐड करना होगा, अपना बैलेंस कैसे देखेंगे और मनी ट्रांसफर कैसे किया जाता है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पर आपको 51 रुपये का कैशबैक मिलेगा, यानी कि 50 रुपये का कैशबैक भी मिलेगा। तो कैशबैक कैसे मिलेगा, तो सबसे पहले आपको जो वीडियो देख रहे हैं, यानी कि जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के टाइटल पर यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको गूगल पे का लिंक और यहाँ पर बताया गया है कि 50 रुपये का कैशबैक मिलेगा अगर आप एक अपना नया अकाउंट बनाएंगे और अपना बैंक अकाउंट जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आपको ये लिंक मिलेगा, इस लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो अब आपके फोन में प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको फिर से अपना गूगल पे डाउनलोड करना होगा। अगर आपने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है तो उसे आपको डिलीट कर देना है और फिर आपको लिंक पर क्लिक करके फिर से आपको इसे डाउनलोड करना है। जैसे आपका ये डाउनलोड हो जाएगा फिर आप इसमें आसानी से अपना अकाउंट बना पाएंगे, अभी आपको बताने वाले हैं। तो हमारा ये डाउनलोड हो रहा है तो थोड़ा सा हम इंतजार कर लेते हैं। तो हमारा गूगल पे इंस्टॉल हो गया है, अब आप इसे ओपन करेंगे। जैसे आप इसे ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद इस तरीके से आपका ये गूगल पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मिलेगा मोबाइल नंबर, अब आप इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। मोबाइल नंबर आप वही डालेंगे जो आपके बैंक अकाउंट में रजिस्टर हो, यानी कि जो आपके बैंक में लिंक हो। तो हम यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं। जैसे आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे आपका ईमेल आईडी आ जाएगा। अब आपके पास 2 ईमेल आईडी हैं तो आप अपना वो वाला ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लेंगे जो आप अपने गूगल पे से लिंक करना चाहते हैं। उसके बाद कंटिन्यू एंड एक्सेप्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा, ओटीपी ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा और यहाँ पर आपके सामने एक नया अकाउंट बन जाएगा गूगल पे के अंदर। तो थोड़ा सा हमें वेट करना होगा, हमारा ओटीपी वेरीफाई हो रहा है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अब हमारा OTP वेरीफाई हो गया है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पर आपका गूगल पे अकाउंट बन गया है, लेकिन आपको अभी बैंक अकाउंट यहाँ पर ऐड करना होगा। अगर आप बैंक अकाउंट ऐड नहीं करेंगे तो गूगल पे का आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, ना पैसे ले पाएंगे और ना पैसे आप ट्रांसफर कर पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऐड बैंक अकाउंट। अगर आपको ये विकल्प यहाँ पर ना मिले तो थोड़ा सा आपको नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको एक विकल्प मिलेगा, अभी आपको बताते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा चेक बैंक बैलेंस, अब आप इस पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मिल जाएगा ऐड बैंक अकाउंट, अब आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी बैंक अकाउंट हो आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड करना होगा। तो हम यहाँ पर बैंक अकाउंट को अपना ले लेते हैं। जो भी आपका बैंक हो अपने बैंक पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर मिल जाएगा कंटिन्यू, अब आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, इसे आपको अलाउ करना होगा। जैसे आप इसे अलाउ करेंगे तो आपके बैंक अकाउंट में एक SMS सेंड किया जाएगा और उसके बाद आपका अकाउंट फाइंड होगा। तो हमारे यहाँ पर SMS सेंड हो गया है, अब हमारा बैंक अकाउंट यहाँ पर ऐड हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमारा ये बैंक अकाउंट ऐड हो गया है। अब आपको यहाँ पर अपना एक UPI पिन सेट करना होगा। UPI पिन कैसे सेट करेंगे, तो यहाँ से बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद फिर से अपने गूगल पे को ओपन करेंगे। यहाँ पर आपका प्रोफाइल फोटो दिखाई देगा, अपने प्रोफाइल फोटो पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट मिलेगा, अपने बैंक अकाउंट पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बैंक होगा, अपने बैंक पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, एक ऑप्शन मिल जाता है आपको, अभी बताते हैं। यहाँ पर मिल जाएगा फॉरगेट UPI पिन। जब आप इस पर क्लिक करेंगे फॉरगेट UPI पिन पर तो आपके सामने ये वाला पिन पेज निकल कर आ जाएगा, ये वाला। या हो सकता है कि जब आप बैंक अकाउंट ऐड करेंगे तो आपको पहले ही ये पेज दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपने ATM कार्ड के जो भी आखिरी के 6 अंक हों आपको यहाँ पर डाल देने होंगे और यहाँ पर अपने ATM कार्ड का जो एक्सपायरी डेट हो वो आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा इस तरीके से। और यहाँ पर आपको इस एरो पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस एरो पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जो आपके बैंक में रजिस्टर है। तो हमारे पास OTP आ चुका है। OTP कौन सा कितना आया हुआ है तो यहाँ पर आपको लिखा होगा, जैसा कि ये लिखा हुआ है 4517 और 94। तो हम यहाँ पर डालेंगे 4517 और 94 और यहाँ पर OTP आपका वेरीफाई हो जाएगा। राइट बटन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको अपना 6 अंकों का UPI पिन सेट कर लेना है, जो भी आप सेट करना चाहते हैं यहाँ से राइट कर देंगे। वही UPI पिन आप कंफर्म कर देंगे और यहाँ से राइट कर देंगे। तो हम इसे यहाँ पर बैक कर देते हैं और अपना एक नया UPI पिन बना लेते हैं, क्योंकि किसी को पता नहीं होना चाहिए आपका UPI पिन, क्योंकि या नहीं तो आपके पैसे यहाँ से वहाँ हो सकते हैं, कोई भी आपके पैसे ले सकता है आपके बैंक से। तो यहाँ पर अपना UPI पिन डाल लीजिए और राइट बटन पर क्लिक कर दीजिए। राइट बटन पर क्लिक करेंगे अब आपका UPI पिन बन जाएगा। अब यहाँ से बैक आ जाइए। बैक आने के बाद अगर अपना बैलेंस आप चेक करना चाहते हैं, थोड़ा सा नीचे आएंगे। यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा चेक बैंक बैलेंस, अब आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक
नया पेज निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर आपने जो यूपीआई पिन बनाया हुआ है अपना यूपीआई पिन आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद राइट करेंगे। जैसे आप राइट करेंगे तो आपका जो बैलेंस होगा आपके बैंक अकाउंट में वो आपका बैलेंस यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। तो इसी तरीके से आपका बैलेंस चेक हो गया है। अब बात करेंगे अगर अपना यूपीआई आईडी आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका यूपीआई आईडी है। अब आप इसे कॉपी कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके और किसी के भी साथ आप साझा कर सकते हैं। अगर आप पैसे भेजना चाहते हैं किसी के मोबाइल नंबर पर या क्यूआर कोड पर या फोन नंबर पर बैंक में तो यहाँ पर ये सारे विकल्प मिल जाते हैं। इनसे आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इस पर मैंने एक एक वीडियो पहले से बनाया हुआ है तो वो वीडियो आपको नीचे मिल जाएगा। अगर आप किसी के मोबाइल पर रिचार्ज करना चाहते हैं, बिजली का बिल जमा करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके कर सकते हैं। इस पर भी मैंने ऑलरेडी एक एक वीडियो बनाया हुआ है तो आप वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर ये सिखा दिया है कि गूगल पे को चालू कैसे करेंगे, बैंक अकाउंट ऐड कैसे करेंगे और अपना बैलेंस कैसे चेक करेंगे और आपको कैशबैक कैसे मिलेगा। कैशबैक आपको तब मिलेगा जब आप इससे पहला रिचार्ज करेंगे या पहली बार किसी को भी पैसे ट्रांसफर करेंगे। मैं आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जिनको अभी तक नहीं पता है गूगल पे को चालू कैसे किया जाता है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।